वेलकम फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड फार्मूलाज। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ फार्मूलाज जो आपको जो नेक्स्ट सेशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट जो केस है वह राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हम लोग लेते हैं वाई, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर से हमारा एक्स बार है ये बाई थ्री। अगेन वाई एक्सिस में देखते हैं तो वाई बार हो गया बी बाई थ्री। तो ए बाई थ्री कॉमा बी बाई थ्री हुआ। सेम केस में अगर हम जो हमारा जो सेकेंड केस है, अगर हम यहाँ हम लोग वाई लेते हैं और ये एक्स लेते हैं, तो इस केस में हमारा यहाँ से ये हमारा टू ए बाई थ्री एक्स बार हो जाएगा और ये हो गया हमारा बी बाई थ्री। तो यहाँ टू ए बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा बी बाई थ्री। नेक्स्ट हम लोग का है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ईच वर्टेक्स से जो ए बी सी जो वर्टेक्स है हमारा, ईच वर्टेक्स हम मीडियन ड्रॉ करेंगे बी ई सी एफ ए डी। ये जो मीडियन जो इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड केस है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हम लोग देखते हैं, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम अपोजिट साइड हमारा पैरेलल होता है। देखिए इसका मेजरमेंट है ये, इसका मेजरमेंट बी, और जो हमारा ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वह एच है। देखिए इसमें है हमारा, इसमें एक्स बार वाई बार शो किया हुआ, बट इसमें एक्स बार वाई बार शो नहीं किया, इसमें वाई बार शो किया। क्यों किया गया, क्योंकि ये जो हमारा एक्सिस है बीच से कट करते हैं तो ये और ये सिमेट्रिकल आ रहा। ड्यू टू सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हम लोग वाई बार निकालेंगे, ठीक है। तो वाई बार हमारा होगा यहाँ से एच बाई थ्री बी प्लस टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल भी हमारा ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। अगेन हम लोग वाई बार देखेंगे, वाई बार क्या होगा फोर आर बाई थ्री पाई। यहाँ से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ ये हो गया फोर आर बाई थ्री पाई है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर सेक्टर। देखिए सर्कुलर सेक्टर में क्या है हमारा, ये एक सर्कुलर सेक्टर हुआ, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने के कारण यहाँ हमारा वाई बार होगा। वाई बार क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बाई थ्री आर साइन अल्फा बाई अल्फा। ये हमारा अल्फा है अबाउट वाई एक्सिस, ये हमारा रेडियस है, ओके। नेक्स्ट हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या है, एक हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर को हम लोग कट करते हैं जब बीच से तो कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके कुछ रेडियस होगा, ये आर रेडियस है, ठीक है। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, सो वाई बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होगा थ्री आर बाई एट, ओके। नेक्स्ट राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। इस केस में हम लोग देखते हैं ये राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, मीन्स ये सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, देन ये हमारा होगा वाई बार एच बाई फोर, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट ऑफ स्फीयर। सेगमेंट ऑफ स्फीयर देखिए, ये एक स्फीयर हुआ। स्फीयर में इफ वी टेक दिस पार्ट इट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट विल बी कॉल्ड सेगमेंट ऑफ स्फीयर, ओके। सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस,
Now in this case also, y bar will be 3 by 4 bracket two r minus h divided by 3 r minus h. As you can see, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारा इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे और सीखेंगे प्रैक्टिकल में इसका क्या काम होता है. ओके, थैंक यू.